कि भाई थीम्स क्या है इनके, यहाँ पे थीम्स किस किस तरह से चल रही हैं। ठीक है, थर्ड थिंग हमें देखते हैं यहाँ के कुछ फेमस पेंटर्स। ये है प्री के लिए हमारे को ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग्स किस पे फोकस कर रही हैं। कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पेंटिंग का, तो सिर्फ ये चीजें हमारे को प्री के पर्सपेक्टिव से देखनी है, और हम इसी तरह से देखेंगे हर एक स्कूल ऑफ पेंटिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बशोली। मैंने आप लोगों को बताया बशोली, बशोली कहाँ है जी? जगह हिमाचल में नहीं है, ठीक है, कठुआ। कठुआ कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सबसे अर्लीएस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग हमारे को देखने को मिलता है। अर्लीएस्ट जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है जी, ये हमें देखने को मिलता है बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और सेकेंड थिंग, एक ही राजा इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों को याद रखना है यार, जिसका नाम है राजा कृपाल पाल। दो बार पाल आ रहा है नाम में, ठीक है। बशोली इज इक्वल टू पाल पाल, ठीक है, याद रह जाएगा। राजा कृपाल पाल के टाइम पे प्रोमिनेंस में आ रही है यहाँ पे पेंटिंग्स। इसका जो टाइमिंग थे 1678 से 94 तक थी, ठीक है। कृपाल पाल, पाल पाल बशोली, ठीक है, बशोली से लिंक्ड है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है। तो यहां से आप लोग थोड़ा याद रखते जाना है साथ साथ, ठीक है। अब एक और पॉइंट यार, इसके टाइम पे ना दिल्ली में औरंगजेब रूल कर रहा है। औरंगजेब मैंने बताया ना, विलन। विलन किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं विलन, लेकिन जो वो हिंदू पेंटर्स है ना, जो दरबार में पेंटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, अच्छा खासा कमा रहे हैं, सोने चांदी मिल रहा है बढ़िया इनको पेंटिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इनके लिए बेसिकली जो है औरंगजेब एक विलन हो गया, ठीक है। तो औरंगजेब विलन जी का किसके टाइम पे? कृपाल पाल जी के टाइम पे दिल्ली में रूलिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कलर्स यूज्ड सिंबॉलिकली, या कलर्स का यूज सिंबॉलिकली करते थे, यानी कि जैसे आप देखें तो रेड का यूज करते थे ये लव को प्रेजेंट करने के लिए, येलो का स्प्रिंग को, और साथ ही साथ अगर इनको रेन डिपिक्ट करनी है तो ये ब्लू कलर का यूज किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नायक नायिका पेंटिंग, या वर्ड याद रखना, नायक नायिका पेंटिंग ना दो स्कूल्स में पढ़ोगे, एक तो भी यहीं से याद रख लो, बशोली। बशोली में आपने क्या देखा? नायक नायिका पेंटिंग्स, ये पता है क्या शो करती थी? इंटेंसिटी ऑफ लव शो किया करती थी ये बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। नायक नायिका पेंटिंग्स बन रही है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लव शो किया करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके जो सेंट्रल इंस्पिरेशन थी इस स्कूल की, वो थी वैष्णविज्म, यानी कि वैष्णविज्म पे बेस्ड ज्यादा पेंटिंग्स यहां पे बनी। और अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस बताऊं ना, जो कांगड़ा में ओरिजिनेट होगा स्कूल, या जो ये बशोली है, इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा, ये बनाएंगे विष्णु पे, कांगड़ा वाली होगी थोड़ी लव ओरिएंटेड, वो कृष्ण और राधा की स्टोरीज डिपिक्ट करेंगी पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है जी। तो हमारा सेकंड स्कूल ऑफ पेंटिंग है यार गुलेर। गुलेर कांगड़ा के साथ में एक जगह थी। गुलेर सेकंड स्कूल ऑफ पेंटिंग है। अब गुलेर और बशोली, बशोली हम देख चुके हैं, कृपाल पाल के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। वहां पे थीम हमने देखी थी वैष्णविज्म। अब यहां गुलेर की हम बात कर रहे हैं, गुलेर में हमें मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिल रहा है जी? मुगल का इन्फ्लुएंस। और हिमाचल में पहली पेंटिंग्स कहाँ ओरिजिनेट करी है? गुलेर में, अंडर राजा दलीप। ये जो राजा दलीप सिंह है, दो राजा यहाँ पे आएंगे इंपॉर्टेंट, अभी बात करेंगे उस पर, अभी सिर्फ इतना समझो दलीप सिंह जो है ये पनाह देते हैं इनको, जो पेंटर्स आ रहे हैं ना बाहर मुगल्स के एरिया से, इनको ये अपने यहाँ पे रख देंगे कि चलो यहाँ रह लो तुम लोग, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये पेंटर्स आए ना बाहर से दिल्ली से, ये मुगल स्टाइल की ही पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यार ना मुगल, और या फिर जो बाद में पहाड़ी पेंटिंग आएगी या कांगड़ा पेंटिंग आएगी, इसमें डिफरेंस क्या होगा? पहाड़ी या कांगड़ा पेंटिंग, इसमें पता क्या डिफरेंस होगा? जो मुगल्स है ना यार, ये गॉड्स की पेंटिंग्स नहीं बना रहे, यानी कि ये भगवान की पेंटिंग्स नहीं बनाते हैं, अपने राजा या कुछ ऐसी चीजों की पेंटिंग्स बनाते हैं, नेचर की पेंटिंग्स बना रही। तो जो गुलेर है यहाँ पे हमें मुगल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा यहाँ, यानी कि यहाँ गॉड्स की पेंटिंग्स नहीं बनेगी।
लेकिन जब कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट होगा, गुलेर के बाद कांगड़ा बनेगा, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, गुलेर से जाएंगे वहां पे पेंटर्स, तो फिर वहां हमें दिखेगा कि यार गॉड्स की पेंटिंग्स बन रही है। तो ये डिफरेंस है मेनली, ठीक है, यहाँ पे गुलेर और कांगड़ा में। कांगड़ा में राधा कृष्ण की पेंटिंग बनेगी, शिव पार्वती की पेंटिंग बनेगी, ठीक है, भगवानों की पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज हमें वहां देखने को मिलेगी। और हमें यहां देखने को मिलता है मुगल इन्फ्लुएंस, यानी कि मुगल्स के टाइम पे कोई भगवान की पेंटिंग्स नहीं बन रही है, नेचर पे पेंटिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, कलर्स, मल्टी कलर्स यूज कर रहे हैं ये, जैसे कि रेनबोज के कलर, रेनबो में जो कलर्स होते हैं इस टाइप के कलर, या शाम में जो रंग होते हैं, जो आपको ये रेडिश सा दिखता है शाम में स्काई, इस तरह का जो पेंटिंग्स है ये बना रहे हैं ये लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अर्ली फेज है ये कांगड़ा कलम का, यानी कि गुलेर के बाद कांगड़ा में कलम ओरिजिनेट होगी हिमाचल में। और एक चीज याद रखनी है यार, गुलेर जो है ना ये बेसिकली कांगड़ा के ही एक राजा ने फॉर्म किया था इस जगह को, हरिचंद, ठीक है, हरिचंद ने फॉर्मेशन की थी गुलेर की। और दिलीप चंद, दो राजा इंपॉर्टेंट है, पहला है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या कर रहा है, पेंटर्स को पनाह दे रहा है अपने एरिया में, और यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो जाएगा इसके टाइम पे। सेकंड राजा है गोवर्धन चंद, ठीक है, चार राजा इंपॉर्टेंट हो गए, बशोली में एक पढ़ चुके हो तुम। और यहाँ पे तीन राजा और है, हरिचंद फॉर्म कर रहा है गुलेर को, सेकंड इज दलीप, और लास्ट है गोवर्धन। गोवर्धन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, एक्चुअली इनकी कैपिटल हुआ करती थी हरिपुर, हरिपुर जो है गुलेर ये कैपिटल है, तो यहाँ पे ना स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप हो रहा है गोवर्धन के टाइम पे, इसलिए गोवर्धन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दलीप पनाह दे रहे हैं, लेकिन गोवर्धन क्या कर रहे हैं, कैपिटल में जो है वहां पे पेंटिंग्स की ओरिजिनेशन जो है उसको टेक ऑन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो चार राजा आपने देख लिए, कृपाल पाल देखा बशोली में, यहाँ देखा हरिचंद, दलीप और गोवर्धन जी। सो लेट्स डिस्कस थीम्स ऑफ गुलेर पेंटिंग्स। जैसा कि मैंने बताया था थीम्स इंपॉर्टेंट है, हमें थीम्स का पता होना चाहिए। तो थीम्स जो है, सबसे पहली चीज यार, थीम्स पे ना लास्ट ईयर एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो थीम्स बहुत ध्यान से देख लेनी है आप लोगों ने। सबसे पहले जयदेव की ने एक पोयम लिखी थी, गीत गोविंद, गीत गोविंद पोयम है जयदेव की, इस पे थीम्स पे पेंटिंग्स बनाना शुरू किया कहां पे, गुलेर में, ठीक है। और ये जो थी राधा और कृष्णा की लव स्टोरी थी, बेसिकली राधा कृष्णा की लव स्टोरी। आप लोग देखेंगे ना यार, मैंने आप लोगों को बोला था मुगल का इन्फ्लुएंस, यानी कि पहले यहां पे मुगल्स का इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो यहां पे गॉड्स की इमेजेस नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने आपको एक राजा का नाम बताया था गोवर्धन, गोवर्धन ने क्या किया, हरिपुर गुलेर में जो है डेवलप किया है पेंटिंग को, जो इनकी कैपिटल है। इसके बाद गुलेर की पेंटिंग्स पे इन्फ्लुएंस शुरू हो जाएगा कांगड़ा का, और गुलेर जो है वो कांगड़ा के अंडर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या मिल रही है हमें देखने को, राधा कृष्ण की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, गॉड्स पे पेंटिंग्स बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे पेंटर्स, ठीक है। सेकेंड इज बिहारी सतसाई, बिहारी जो है ये शाहजहां के कोर्ट में हुआ करते थे, उनको सर्व करते थे। नेक्स्ट है भागवत पुराण, भागवत पुराण पे पेंटिंग्स बनेगी, इसके पीछे भी रीजन है, अभी आगे आप लोगों को कांगड़ा में बताऊंगी कि भागवत पुराण पे क्यों पेंटिंग्स बना रहे हैं ये। द बारह मासा पे पेंटिंग बनेगी, रंगमाला पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है पेंटर्स, पेंटर्स इनके कौन कौन इंपॉर्टेंट है, मनकू, नैनसुख और पंडित सेरू। या पंडित सेरू जो है ना, ये 1740 में जाके इनकी डेथ हो जाएगी, और पंडित सेरू के ही बेटे हैं ये दोनों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना एक फैमिली ट्री बताऊंगी यार, जो ये पंडित सेरू है ना, अगर आप हिमाचल में ओरिजिनेशन देख रहे हो ना पेंटिंग का एचपी में, तो ये एक फैमिली ट्री से लिंक्ड है, यानी कि ये जो पंडित सेरू का पूरा परिवार है ना, ये पूरा परिवार ही पेंटिंग में जाएगा यार, इसके बच्चे, इसके बच्चों के बच्चे, ठीक है, सब पेंटिंग्स में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलेर में रह रहे हैं, अब इसके कुछ बच्चे हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बशोली में चला गया, कोई चंबा चला जाएगा, और उससे एक फैमिली ट्री बनेगा, ये अलग अलग एरियाज में जाके जो है पेंटिंग्स बनाएंगे, इसको हम देखेंगे एक फैमिली ट्री के थ्रू, ठीक है। तो अब इस फैमिली ट्री को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, फैमिली ट्री से आप लोगों को काफी सारी चीजें ना ऐसे याद हो जाएंगी, वरना अलग अलग पेंटर्स के इतने सारों के नाम याद रखना टफ है, ठीक है, तो फैमिली ट्री से इजी हो जाता है जी। तो हम लोग बात कर रहे थे यार गुलेर की पेंटिंग्स के बारे में, और गुलेर में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पंडित सेरू,
पंडित सेरू, या इसको ना कई जगह सेऊ भी लिखा हुआ है, पंडित सेऊ, ठीक है। तो ये जो है गुलेर का एक काफी फेमस पेंटर हुआ करता था, ठीक है। और जो पूरी की पूरी पेंटिंग है यार, मैक्सिमम जो ओरिजिनेशन है पेंटिंग का, वो इनके फैमिली ट्री से जुड़ा हुआ है। अब हम इसके फैमिली का एक ट्री देखेंगे कि इसकी फैमिली में इसके बेटे, इसके पोते, ठीक है, और ये कैसे कैसे अलग अलग एरियाज में जाके पेंटिंग्स को स्प्रेड करने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो पंडित सेरू है, एक ही पर्सन है पंडित सेरू, कहां काम कर रहा है, गुलेर में, गुलेर में पेंटिंग्स बना रहा है, ठीक है, गुलेर में पेंटिंग्स बना रहा है। मैंने आपको गुलेर के इंपॉर्टेंट राजा बताए थे, ठीक है, दलीप और गोवर्धन, ठीक है, इनके दरबारों में पेंटिंग्स बना रहा है। अब क्या होता है, इसके हैं दो बेटे, कौन कौन, पहला है मानक, मानक है कई जगह ना इसको मनकू भी लिखा गया है, और एक है नैनसुख, मानक और नैनसुख, दो बेटे हैं इसके, नैनसुख, ये तो याद रह जाना चाहिए यार, इजी है ना, मानक। अब होगा क्या यार, देखो एक बेटा तो चला जाएगा इसका जम्मू, एक बेटे को लगेगा क्या कि यार बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग ज्यादा पुराना है, वहां शायद ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकता हूं मैं, ज्यादा अच्छी इनकम होगी मेरी वहां। ये क्या करेगा, नैनसुख कहां शिफ्ट हो जाएगा, जम्मू। जम्मू किसके पास शिफ्ट होएगा, एक राजा का नाम याद रखना है, बलवंत सिंह, बलवंत सिंह के पास शिफ्ट होएगा, इसके दरबार में जाके अभी पेंटिंग्स बनाना शुरू करेगा। कहां से जा रहा है, गुलेर से, कौन जा रहा है, नैनसुख, क्योंकि नैनसुख है थोड़ा चलाक टाइप का, ठीक है। अब इसने क्या किया, चलाकी में जम्मू शिफ्ट हो गया कि वहां पे जाके ज्यादा पैसा कमाता हूं अपने भाई मनकू से, ठीक है। और जो मनकू है बेचारा, ये थोड़ा सीधा साधा है, ये कहां रह गया, गुलेर में, ठीक है, गुलेर में रह गया दलीप सिंह के पास। दलीप सिंह तो नाम पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया, दलीप सिंह कहां रह गया, दलीप सिंह के साथ रह गया, ठीक है। आगे जाके ये जो मनकू है ना, ये कहां शिफ्ट होएगा, संसार चंद के पास भी शिफ्ट होएगा। संसार चंद कहां का राजा है जी, संसार चंद है कांगड़ा का राजा, कांगड़ा के राजा के पास भी ये जो मनकू है ये शिफ्ट होएगा आगे चल के, ठीक है। पहले तो कहां रहेगा, गुलेर में। अब इसके होते हैं दो बेटे, एक का नाम है फटू, एक का नाम है कुशाला, ठीक है। अब जो ये फटू है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यार इसकी पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, कुछ पेंटिंग्स याद रखनी है आपने इनकी, इन्होंने मिलके भी बनाई थी कुछ पेंटिंग्स, जैसे रंगमाला, वो इन दोनों ने मिलके बनाई थी, ठीक है। और सतसाई सीरीज क्या बनाई थी इसने, सतसाई सीरीज बनाई थी, साथ ही साथ इसने बनाई थी लंबग्राउ बारामासा, बारामासा पे भी जो है इसने फट्टू ने पेंटिंग्स बनाई थी। नेक्स्ट है कुशाला ने बनाई थी श्रीमद भगवत पुराण पे, और जो कुशाला है ना यार, ये भी संसार चंद के कोर्ट में जाएगा, संसार चंद के कोर्ट में जाके ये भी पेंटिंग्स बनाएगा, ठीक है। और जो ये जितनी भी पेंटिंग्स है भगवत पुराण पे रंगमाला से, और भगवत पुराण की पेंटिंग्स ना मेजरली संसार चंद से जुड़ी हुई है, वो इसलिए कि ये बहुत ज्यादा ना कान्हा के भक्त थे, ठीक है, कृष्णा को बहुत मानते थे, और इवन जो इन्होंने अपनी फैमिली की बेसिकली हॉली बुक भगवत पुराण पढ़ाया करते थे सबको अपनी फैमिली में, ठीक है। इस वजह से कांगड़ा में जो है हमारे को भगवत पुराण का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलेगा, कृष्ण की पेंटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि भी राजा भक्त है यहाँ का संसारचंद। संसारचंद कहाँ का राजा है, जिनको नहीं पता याद रखना अब यार, कांगड़ा का राजा है, और सबसे फेमस राजा कांगड़ा का संसारचंद ही है। जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री देखेंगे ना आगे, तो वहां हम देखेंगे कि कैसे संसारचंद फेमस है कांगड़ा का, ठीक है। तो कुशाला और फट्टू दोनों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई साथ में मिलके, और इनको ना एक और इनका भाई, इनका कजन जो यहाँ पे है, ये गौधू, ये भी यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। गौधू इन दोनों की हेल्प करेगा इन पेंटिंग्स को बनाने में, ठीक है, कुछ जगहों पे। डन, ठीक है। कौन थे एक बार दोबारा से देख लो, पंडित सेरू या सेऊ, दो बेटे, नैनसुख है चतुर, नैनसुख चला गया जम्मू, बलवंत के पास जाता है, बोलता है यार मैं तो यही रहना है अब, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा मिलेगा मेरे को, गुलेर में मेरे को नहीं मिल रही ज्यादा कमाई। अब जो मनकू है ये थोड़ा सीधा साधा है, ये गुलेर में रह गया, इसके दो बेटे हैं, ये संसार चंद के लिए पेंटिंग्स बना रहे हैं, और कुछ इनकी पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, रंगमाला तो याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नैनसुख, नैनसुख के भी फैमिली ट्री है, नैनसुख के हैं चार बेटे, फोर, ठीक है। सबसे पहला है कामा, यार कामा देखो
कामा क्या करता है, कामा को पसंद नहीं आता यार मेरे पापा तो थे गुलेर से, अब वो ये रह रहे हैं जम्मू में, ठीक है, तो ये चले जाते हैं अपने ताया जी चाचा जी जो भी होंगे ये, ठीक है, तो इनके पास मनकू के पास, और ये गुलेर आके वापस पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। गुलेर किसके पास आएंगे, दिलीप गोवर्धन जिनके हमने नाम देखे। सेकेंड है गौधू, गौधू जी, गौधू मैंने आपको बताया इसकी हेल्प भी करते हैं, ये कहाँ पे है संसार चंद के पास, तो जो गौधू है ये भी किसके कोर्ट में पेंटिंग्स करेंगे, संसार चंद के, कहाँ जाएंगे कांगड़ा, कांगड़ा बड़ी यार बहुत बड़ी स्टेट हुआ करती थी, कांगड़ा में भी अच्छा खासा कमा रहे थे ये, ठीक है, लेकिन इनके बेटे चलाक निकले कुशाला और फिट्टू, है ना, तो यहाँ गौधू जी भी चले गए। साथ ही साथ निक्का, निक्का याद रखना यार, जब भी चंबा की बात आएगी ना, चंबा की बात में जो मास्टर आर्टिस्ट थे चंबा के वो थे निक्का, निक्का ने चंबा की पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो चंबा के मास्टर आर्टिस्ट है निक्का, किसके दरबार में रहे हैं, राज सिंह के दरबार में रहे हैं। और कुछ हमें जिक्र मिलता है यार इनके दो बेटों का, हरखू और छज्जू का, और ये दोनों भी कहाँ रहेंगे, चंबा में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चंबा में ही रह के चंबा में ही ग्रो करेंगे हरखू और छज्जू के, ठीक है। निक्का भी याद रखना है, रांझा, और लास्ट है रांझा, रांझा अपने पिताजी को ही कंटिन्यू करेंगे, ये बशोली में रहेंगे लेकिन किस राजा के अंडर, अमृतपाल के अंडर, ठीक है। तो ये है आपका फैमिली ट्री, यहां से याद रखना है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पंडित सेरू है, दो बेटे हैं मानक मनकू और नैनसुख, मानक के दो बेटे हैं, मानक बेचारा शरीफ है कहाँ रह रहा है, गुलेर में, नैनसुख चला गया जम्मू बलवंत के पास, ये दिलीप के पास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बेटे हैं फट्टू और कुशाला, ठीक है, संसार चंद के दरबार में पेंटिंग करेंगे, कुछ पेंटिंग्स हमने इनकी इंपॉर्टेंट देखी, भागवत पुराण पे रंग बांधा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नैनसुख, नैनसुख के है चार बेटे, पहला है कामा, कामा भोला है, कामा ने क्या किया भाई, अपने चाचा जी के पास आ गया वापस, कहां, गुलेर, ठीक है। अगला है गौधू, गौधू ने क्या किया, गौधू इन दोनों की मदद करेगा, कुशाला और इसकी, याद रह जाएगा गौधू तो, ठीक है। तो गौधू भी कहां, किसके दरबार में पेंटिंग करेगा, संसार चंद के दरबार में, कांगड़ा में, ठीक है। निक्का, निक्का चंबा के साथ एसोसिएट करना है, निक्का कहाँ का फेमस वो था, पेंटर था चंबा का, राज सिंह के दरबार में पेंटिंग करी है इसने, और इसके दोनों बच्चे भी सेम ही रहेंगे। रांझा बशोली में रहेगा, जो अपने पिताजी की जो आगे बेसिकली कंटिन्यूएशन करेगा अपने पिताजी की रियासत को, ठीक है। तो ये है आपकी फैमिली ट्री। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है यार, निक्का इज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ पेंटिंग, ऑप्शन दे देंगे, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, अर्की, किसका था, चंबा का था, पता होना चाहिए आपको, फैमिली ट्री से पूरा याद रख लो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही यार, पेंटिंग्स को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगी यार, मंडी पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।